दलविंदर कौर, बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर पर। जमशेदपुर में सोमवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी समाज और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का प्रतिनिधिमंडल उपयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उपयुक्त को बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन के मांग की गई है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ भारत सरकार को हस्तक्षेप पर बांग्लादेश में बसे भारतीयों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस संदर्भ में मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष मुकेश मित्तल ने बताया कि बांग्लादेश में हुए तख्तापलट की आड़ में कट्टरपंथियों उग्रवादियों के द्वारा हिंदू समाज के लोगों के ऊपर अनुयोजित तरीके से जुल्म, अत्याचार, लूटपाट और हत्या की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का भी इन कट्टरपंथियों को मौन समर्थन है। इस दौरान भारत सरकार से अपील की गई है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और वहां बसे हिंदुओं परिवारों की जानमाल की रक्षा करें। उन्हें यह भी मांग की गई है कि जो भी हिंदू परिवार बांग्लादेश से भारत आना चाहते हैं उन्हें तुरंत आने दिया जाए और वर्तमान सीए कानून का लाभ दिया जाए। ज्ञापन सौंपे में अंतर्राष्ट्रीय विषय महासम्मेलन के जिले अध्यक्ष विकास गुप्ता समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और मारवाड़ी समाज मिलकर उपायुक्त महोदय के कार्यालय में आए हैं और उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। जो अभी बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है और कट्टरपंथी वहाँ अब हावी हो गए हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रही है, उनके व्यापार को टारगेट कर रही है, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ की हत्या की जा रही है। और जो साउथ एशिया है, यहाँ पे विश्व के जो दो बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, अमेरिका और चाइना, इनका ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गया है। श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तिब्बत हो, नेपाल ऑलरेडी चाइना के इन्फ्लुएंस में है। इधर बांग्लादेश में जो हमारी जानकारी में है, अमेरिका यहाँ एक आइलैंड को बांग्लादेश का लेना चाहता था, जो शायद शेख हसीना जी ने रिफ्यूज़ किया है। तो चाइना और अमेरिका का ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी होना साउथ एशिया में, ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि वे जो माइनॉरिटीज़ हमारे बांग्लादेश में हैं उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जाए। और ये जो कान खड़े करने वाले जो इशू आया है, चौतरफा भारत को घेरने का प्रयास किया गया है, इस पर एक एक्शन प्लान भारत सरकार को बनाना चाहिए। मानगो थाना अंतर्गत नगर रोड नंबर 14 में चाकूबाजी कर घायल कर देने के मामले सामने आ रहे हैं। यह घटना रविवार की है। इस संबंध में अमजद ने बताया कि उसकी भतीजी के साथ छेड़छाड़ युवकों द्वारा किया जा रहा था। जब इसकी शिकायत लेकर अमजद की माँ और भाभी लड़के के घर गई तो उन्होंने अपने बेटे को बुला लिया और माँ भाभी के साथ मारपीट करने लगे। जब अमजद वहाँ गया तो उसके ऊपर कच्चा बच्चा नाम लड़के के अमजद और अरबाज पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं इस मामले की शिकायत मानगो थाना में कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अपराध को करने में मुख्य मन्नू बच्चा का हाथ है। मन्नू बच्चा नाबालिग बच्ची का पीछा एक साल से कर रहा था। छोटी बेटी है मेरी, भाई की बेटी है, उसको छेड़खानी करता था। तो उसके घर पे मेरी अम्मी लोग गई थी कंप्लेन करने के लिए, तो मेरी अम्मी और मेरी भाभी का गला वाला दबा के उधर मारम पीटी डाली थी। हम लोग लंच के टाइम खाना का टाइम आए, तो खाना का टाइम गए तो हम लोग देखे मार हो रहा था, तो हम लोग गए छुड़ाने के लिए बीच में। तो वो लोग लड़का वो बुला के और मेरा पेट पर चाकू चलवा दी थी। पेट पर जैसे चाकू लगा तो मेरा बगना जो है अरवा जलम वो हाथ बीच में ला दिया, तो उसका हाथ पूरा फट गया। क्या नाम उसका है जो चाकू मारा? जो चाकू मारा उसका नाम कच्चा बच्चा है, और कच्चा बच्चा नाम से उसे को हम जानते हैं। और उसका जो चाकू मरवाया है उसका शब्बीर आलम, और उसकी बहन गुलनाज बुलाई थी उसको आवाज़ देकर कि हाँ मार इन लोग को। कहाँ पर रहता है लोग? ये लोग रहता है डॉक्टर जाकिर के पीछे में, रोड नंबर 14।
फिर आप लोग फिर कहाँ गए वहाँ से? जी फिर आप लोग मानगो थाना गए, मानगो थाना से अभी एमजीएम में भेजे हैं ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ का चाकू लगा आप लोगों को? मेरे पेट में मारा है और इसका हाथ में लगा। कब से ऐसा विवाह कर रहा था बच्चे? हम सऊदी में थे, करीब एक साल पहले मेरी अम्मी गई थी उसको घर समझाने के लिए, तो उसकी अम्मी लोग डांटी बच्चा को। वो बच्चा ज़्यादा इसका नहीं है, 14-15 साल का है, और मेरी भतीजी भी 12-13 साल की है। और उसके बाद फिर उस टाइम से बीच बीच में वो हमेशा छिड़कानी करता था, तो मेरी भतीजी जो है वो घर में आके बताती थी, तो हम लोग छोड़ देते थे, छोटा बच्चा उसको क्या बोलेंगे। आज घर पे आके बेल बजा के गंदा गंदा कमेंट किया, गंदा गंदा बात बोला, तो उसका घर पे गई थी मेरी अम्मी लोग बताने के लिए। हम काम में थे, मेरा भगना भी काम में था। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज़ और उसकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।